ये बहुत मशहूर है और ये बहुत फेमस है कराची का, बोल्टन मार्केट छांटी गली के करीब है बिल्कुल। इन्हें यहाँ पे तकरीबन 59 ईयर्स हो गए। बहुत लजीज सूप होता है और बहुत मेयारी सूप होता है। इनके पास देसी सूप भी है, देसी चिकन का सूप भी है, अंडे वाला भी है, सादा भी है, बहुत सारी वैरायटी है इनके पास। और ये यहाँ पे भाई होते हैं सैफुल्ला भाई जो यहाँ ऑन करते हैं ये स्टॉल। तो आप ज़रूर विज़िट करें, यहाँ सर्दियों का मौसम है और सूप इस वक्त बहुत ज़रूरी है। ये भाई इनके साथ होते हैं सारे और इन्हें तकरीबन 59 ईयर्स हो गए और काफ़ी दुनिया यहाँ पे सूप पीने आती है। बेहतरीन सूप होता है इनका। ये छांटी गली कहलाती है और ये जो है बोल्टन मार्केट है। ये बोल्टन मार्केट वाला रोड है कराची का। इससे आगे जो है मेमन मस्जिद है बोल्टन की, आगे टावर है। इसी लाइन में आप टावर की लाइन में थोड़ा सा आगे आएंगे तो ये राइट हैंड पे सैफुल्ला सूप कॉर्नर के नाम से बना हुआ है। इन्हें यहाँ पे 59 ईयर्स हो गए और ये बहुत फेमस है यहाँ का सूप। और सर्दियों में आजकल आपको पता है ये सूप की नीड तो पड़ती है, तो आप ज़रूर विज़िट करें और इनका सूप ट्राई करें, बहुत टेस्टी होता है। हम ख़ुद भी यहाँ आके सूप वगैरह पीते हैं। इनके कोई रेगुलर कस्टमर्स हैं जो यहाँ पे काफ़ी अरसे से आ रहे हैं इनका सूप पीने के लिए, तो आइए इनसे कुछ बात करते हैं और इनसे रिव्यू लेते हैं कि आपको इनका सूप किस तरह लगा और आप लोग कब से आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे हो? खैरत से हो? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा ये बताएं कि आपका नाम क्या है भाई? मेरा नाम ज़िया है। अच्छा ज़िया, ज़िया भाई आप कब से आ रहे हैं और इनका सूप किस तरह लगा आपको? मैं तकरीबन समझ लो कि 4-5 साल से जो है ना यहाँ पर आ रहा हूँ और हर मतलब जैसे साल के सर्दियों में जैसे लगता है इस अक्टूबर के महीने में, तो मैं इस चीज़ को जो है ना बहुत मकसद इस बंदे को अप्रिशिएट करता हूँ क्योंकि इसका जो है सूप बहुत मशहूर है और काफ़ी टेस्टी भी है और ये हमारा अमूमन पठानों का एक रिवायती समझ लो डिश भी है, तो इसलिए हम इसको ज़्यादा लाइक करते हैं। हमारे साथ साथ और भाई भी बैठे हैं और वो भी माशाल्लाह इसका तारीफ़ कर रहे हैं, तो उम्मीद है कि आप लोग आएँगे इधर और इंशाल्लाह जो है ना इन्जॉय करेंगे इसको। ये बताएँ कि आप कौन सा सूप पसंद करते हैं इनका? हम फिलहाल तो सादा सूप पसंद करते हैं क्योंकि सादा का जो है ना थोड़ा ज़्यादा। वैसे इनका दूसरा जो चिकन, देसी चिकन सूप जो होता है वो कैसा लगा? चिकन का जो है वो भी अच्छा होता है, लेकिन जो है ना कुछ लोग वो पसंद करते हैं, कुछ लोग ये पसंद करते हैं। बहुत शुक्रिया। इंतज़ार कर रहे थे और अब इनका ऑर्डर आ चुका है और ये भी सूप इंजॉय कर रहे हैं और ये जो है यहाँ पर इनके और भी कस्टमर्स वेट कर रहे हैं इनके सूप का। इस तरफ भी लोग बैठे हुए हैं काफ़ी लोग। तो ये रोड के ऊपर ही इनका बना हुआ है सेटअप, लेकिन माशाल्लाह इनका सूप बहुत अच्छा होता है, बहुत मेयारी होता है, बहुत लजीज होता है। काफ़ी दूर दूर से लोग इनके पास आते हैं और ये सैफुल्ला भाई हम इनसे टाइम लेके बात करेंगे। ये देखें इनके प्राइस लिस्ट है सैफुल्ला सूप कॉर्नर की। इनके पास पूरी मुर्गी भी दस्तयाब है, इसके अलावा सादा सूप भी है, अंडे वाला सूप भी है, बाजू भी है, गर्दन, कमर, स्पेशल सिर्फ अंडे वाला, कलेजी, सीना, रान। और इनकी टाइमिंग है शाम 6 बजे से रात 12 बजे तक और इनका मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है। ये सैफुल्ला भाई यहाँ होते हैं, बहुत बिज़ी जा रहे हैं अभी इस वक्त और ये बहुत बिज़ी जा रहे हैं। देखें इनका सूप जो है, ये देखें ये सूप जो है ये डाला जा रहा है। सैफुल्ला भाई थोड़ा सा टाइम देंगे हमें? अच्छा ये सैफुल्ला भाई होते हैं यहाँ के ऑनर और आप इनसे पूछते हैं। सैफुल्ला भाई आप कितने अरसे से? यार मैं तकरीबन 24 साल से हूँ मैं खुद। वैसे मेरे वालिद जो है ना, मेरे दादा जो है वो तकरीबन उनको 58 साल हो गए, ये जो है ना तकरीबन 59 साल पूरा होने वाला है अभी। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा आप जो है यहाँ पे जो है आपकी टाइमिंग क्या है? मेरा टाइमिंग शाम 6 से लेकर रात को 12 बजे तक। और जो है आपका ज़्यादा सूप जो है कौन सा ज़्यादा चलता है? मेरा ज़्यादा जो नहीं है चिकन चलता है, चिकन वाला सूप चलता है। अच्छा आपके पास देसी मुर्गी है? देसी मुर्गी है जी भाई जान, देसी मुर्गी है। ये तो सेहत के लिए भी बहुत मुफीद है और ये माशाल्लाह बहुत अच्छा आप बनाते हैं, हम भी ट्राई कर चुके हैं। तो और जो है ये बताएं कि ये कितने का आपका प्राइस लिस्ट क्या है, कितने के देते हैं? लिखे हुए हमारे पास मुख्तलिफ रेट लिखे हुए हैं चिकन के जो है ना, अलग अलग मिसाल बाजू, गर्दन, कमर, रान, सीना, स्पेशल और अंडे वाला, सादा, सबका जो है ना प्राइस लिखा हुआ है यहाँ पे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सैफुल्ला भाई टाइम देने का।
आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम है शेख मोहम्मद अहमद। अच्छा, और आप इनका सूप काफ़ी अरसे से पी रहे हैं? 40 साल से मैं पीता हुआ हूँ। आप ये समझिए बहुत मुफीद है, सीने पर रेशा रेशा जितना भी होता है सब साफ, सांस लेने में हर चीज़ में आसानी होती है, बहुत अच्छा सूप होता है इसका। और आप जो इनके पास 40 साल से पी रहे हैं सूप, आपको मतलब आप फैमिली के लिए भी ले जाते हैं सूप वगैरह? जी जी, घर के लिए भी लेके आता हूँ, उससे मैं 3-4 थैलियाँ एक दिन बीच घर के लेके आता उससे। बाकी सूप में कराची के और यहाँ के सूप में क्या फ़र्क लगा? कराची का सूप के अंदर जो है जैसे हल्दी का पानी होता ना लोगों के पास, ज़्यादा हल्दी का पानी घोल के पिलाते हैं, ये वो नहीं है, सामने रखी हुई चीज़ आपके। बहुत शुक्रिया आई साहब, बहुत शुक्रिया। चिकन वगैरह सब सामने होती है, चिकन वगैरह सब सामने है, अपना धोखा नहीं है, यहाँ पे चीज़ सही होती है बस। और आप अभी कौन सा अंडे वाला सूप पी रहे हैं या चिकन वाला? अच्छा, ये अंडे वाला सूप पी रहे हैं, इसके अलावा आप चिकन वाला सूप भी पी चुके हैं? जी जी जी। सबसे अच्छा आपको अंडे वाला लगता है? लगता है, वो जायका भी अच्छा होता है इसमें, और सीने पे जो है गरमाई गरमाई आती है। ये इनका सूप, शुक्रिया ऐसा, बहुत शर्मा गरम सूप है। और ये इनकी चिकन पड़ी हुई है, और चिकन बोनलेस भी है, चिकन पूरी फुल चिकन भी पड़ी हुई है, हर चीज़ पड़ी हुई है इनके पास, नींबू भी पड़े हैं, और इसके अलावा मसाला भी है, पापड़ी भी है, साफ़ सुथरा सूप है और बहुत लजीज और जायकेदार सूप है। देखिए अंडे वाला सूप बनाया जा रहा है, सैफुल्ला भाई अंडे वाला सूप बना रहे हैं, और ये मसाला डाला जा रहा है, और ये नींबू डाला जा रहा है, और ये देखें अब सूप डाला जा रहा है। सही है साकी भाई, बहुत शुक्रिया। ये सूप वगैरह इनका सेटअप है, इनका सर्दियों के लिए बहुत मुफीद है, सर्दियों में बहुत मुफीद है, नॉर्मल डेज़ में भी होता है लेकिन सर्दियों में ज़रा ज़्यादा पिया जाता है अक्टूबर नवंबर दिसंबर में। तो आप ज़रूर विज़िट करें, ये बोल्टन मार्केट वाला रोड है, बोल्टन मार्केट है, छांटी गली के बिल्कुल कोने के ऊपर बना हुआ है सैफुल्ला सूप कॉर्नर। ये इनके पास देखें पब्लिक इंतज़ार करी है इनके अपने ऑर्डर्स का, और पार्सल्स भी लेके जाते हैं लोग, और इसके अलावा जो है यहाँ भी बैठ के पीते हैं, इंजॉय करते हैं। तो आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा बोल्टन मार्केट कराची, छांटी गली के बिल्कुल कॉर्नर पे, सैफुल्ला सूप कॉर्नर के नाम से। इसी के साथ हम अपने वीलॉग का एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।